आज जो इलेक्शन है जलंधर बाई इलेक्शन श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा एंड साढ़े असी तो श्रोम बी बी एस पी तो अकाली दल काडर कट्ठे होके आ इलेक्शन जीतेगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का जो आदेश हुआ है वो ये आदेश है, क्योंकि पहले से ही बहुजन समाज पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ती और इसी कड़ी में आदरणीय बहन जी ने आदेश दिया है कि ये चुनाव उपचुनाव जलंधर की जो सीट है लोकसभा की, इसको अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का साझा उम्मीदवार गठबंधन के तौर पर मजबूती से लड़ने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव लड़ाकर इस चुनाव को शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। पूरा मुकम्मल किलेबंदी कर ली है ते कल परसों तो साड़ियां सारे वर्कर पंजाब दे दोनों पार्टियां दे इत्थे पहुंच जाएंगे जलंधर च ते साड़ी कैंपेन शुरू हो जानी है। एंड जय जी हालात अज है, परमात्मा मेहर करे जलंधर दे लोग इस गठजोड़ नूं आशीर्वाद जरूर देंगे। आ तां साडा पहली इशू है। दूजी इशू ते जिहड़ी मैं अज गल करना चाहुंदा हां कि मैं हुणी हुणी मैनूं खबर आई है, किसी अफसर ने दस्या है, देखो किन्नी वड्डी ठगी भगवंत मान बेईमान इहदा नाम है, मान दा मतलब बेईमान, जिसने हुण जिहड़ा करोड़ां रुपये लखां एकड़ जमीन च फसल तबाह होई है, इंस्ट्रक्शन दित्तियां गईआं डीसी नूं कि किसे दे 33% तों वध नुकसान दिखाओ ना। देखो एड्डी माड़ी गल, उत्ते बयान देता जी जिहड़ा 70% उत्ते 15,000 देवांगे दूजा देवांगे, हुण इंस्ट्रक्शन दे दियां कि 33% तों वध दिखायो ना, सानूं पैसा नहीं दित्ता जाणा इहनां। देखो किड्डी बेईमानी इहनां दे मन च है, इह तों वध बेईमानी कौण कर सकदा जिन्नी आ करदे आ। हले तक नरमे दा मुआवजा नहीं दित्ता, हले तक पिछले झोने दा मुआवजा नहीं दित्ता, ते हुण कणक दा नुकसान होया ते हुण 33% ते करन लगे आ। देखो अच्छा होर वड्डी गल है, अगले 5-7-10 दिन मैक्सिमम लोगों ने अपने खेत वाह लेने हैं, क्योंकि अगली फसल की तैयारी करनी पैनी है। जे जिस दिन खेत वाले तो फिर पटवारी उनके अफसर मौज बन जाओगे, पैसे लैणगे कि अज तुहानूं पाउणा ही नहीं पाउणा। कोई कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, इस करके मैं भगवंत बेईमान नूं मैं कहना चाहुंदा जे तुसीं आ ठगी कीती, जे 33% ते रखिया ते समुचा अकाली दल बी एस पी काडर असीं सड़कां ते आवांगे ते इंश्योर करांगे तुसीं अपना जिहड़ा गलत फैसला लिता जिहड़ा अनऑफिशियली कीता है उहदे खिलाफ़ असीं सारा पंजाब खड़ा करांगे। ते मैं देखिया बी एस पी वाले भैन जी दा मैं मेरी विचारां होईआं, उन्हां दी ते सोच साडी इक्को जी है, असीं कोई असीं मैरिट ते डिस्कस करदे हां जिहड़ी चीज़ां होंदियां मैरिट ते, इहदा फायदा की होणा, क्योंकि जे असीं जित्तांगे ते फायदा दोनों नूं होणा, हारांगे वी नुकसान दोनों नूं होणा। असीं अपनी स्ट्रैटजी दे हिसाब नाल असीं प्लैनिंग करदे हां ते असीं जो साडी इंटरनल स्ट्रैटजी असीं तुहानूं कि दसीए। जिस दिन थोड़े कोल न्यूज़ घट गई मैनूं दस दिओ, मैं उस दिन दे दूंगा। इस करके मैं जलंधर वासियों नूं कहना चाहुंदा, थोड़े कोल एक मौका आया पंजाब नूं बचाउण दा, जिवें संगरूर ने झटका दिता एक्ती वड्डा झटका दे दिओ, बंदे बना दिओ इहनां नूं आम आदमी पार्टी वालिआं नूं, फिर तां पंजाब बच सकदा है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਲੜਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਤੋਂ
सरकारी दफ्तर का टाइमिंग 7:30 सवेरे तो लैके 2 बजे तक, मैं लगता पहली बार हिस्ट्री होया। बिजली पैदा की करनी सी, बिजली खरीद के थोन देनी की सी, कहता कि 2:30 के बाद बिजली कट लगने है, तुसी घरे बह के पखे चालन वास्ते तैयार हो जाओ। अज तक किसी हिंदुस्तान की सरकार ने आने किया कि सवेरे 7:30 दफ्तर खुलणगे 2 बजे तक। एंड जो सब तो वध बेचारियां जिहड़ी लेडीज मुलाजम है, वह बेचारी लेडीज मुलाजम ने अपने घरे बच्चों नूं पढ़ाउण स्कूल भी भेजना, उन्होंने तैयार भी करना है, रोटी भी पकानी है, इहदा मतलब वह 2 बजे सवेरे उठे करन। जिहड़ी जिम्मेवारी सरकार दी सी बिजली पैदा करनी, उहदे बाद अरेंजमेंट करनी ते बिजली देनी, वह तो करते नहीं, अपनी नाकामियां नूं लुकाउण वास्ते आना कीता। आ तो श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी जिन्हें पावर सरप्लस करके सूबा हैंडओवर किया। सो आ एक असी स्ट्रोंगली कंडेम करते हैं जिहड़ी आ सरकारी दफ्तर का पॉलिसी जिहड़ी इन्हें बनाई है 7:30 तो लैके। तुसीं दसो इहदा मतलब सारे जिन्हां दे कम है सवेरे 5 बजे उठ्या करनगे ते सवेरे 7:30 तक दफ्तर पहुँचा करनगे, सारा सिस्टम ही परिवारां दा हिल जाना है। आ तां हालात बनाई पई है। अज प्रेस जलंधर प्रेस क्लब में श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की समुची लीडरशिप कट्ठी आई है। बैनीवाल साहब जो BSP दे मिला दा नॉर्थ इंडिया दे इंचार्ज समझो, जिहड़े 3-4 स्टेटां दे, अपने अड़ी साहब जो पंजाब दे प्रधान है, करीमपुरी साहब जो साडे सीनियर लीडर है, ते समुची उहनां दी सारे इंचार्ज आए। पिछले दिन लगातार साड़ियाँ मीटिंगा हुई, विचार हुई, क्योंकि साड़ा गठजोड़ यह जहा है कि परिवार वांगू है, जो भी असी काम करते हैं सलाह करके एक दूजे नाल गल करके डिस्कस करके तो असी फैसला करते हैं। आई कारण है कि अज इन्नी देर पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। सो सारा कुछ देख के आ इलैक्शन देख के फैसला किया गया साढ़े दोनों तरफों कि आ जिहड़ा इलैक्शन है जलंधर बाई इलैक्शन श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा। एंड साडे असी ते श्रोम BSP ते अकाली दल काडर कट्ठे होके आ इलैक्शन जितेगा। तो असी अपनी भी काडर दी मीटिंग कीती है, तो अज BSP ने अपने समुचे स्टेट बॉडी दी मीटिंग कीती, सारे वर्करां नूं इकट्ठा कीता, तो सारे ने उन्हां दे आशीर्वाद नाल सारे ने प्लैनिंग करके हुण असी पूरा मुकम्मल किलेबंदी कर ली है। तो कल परसों तो साड़ियाँ सारे वर्कर पंजाब के दोनों पार्टियां दे इत्थे पहुँच जाएंगे जलंधर, तो साड़ी कैंपेन शुरू हो जानी है। एंड जय जी हालात अज है, परमात्मा मेहर करे जलंधर के लोग इस गठजोड़ आशीर्वाद जरूर देंगे। आता साड़ा पहली इशू है।